टी भारत को स्वागत करछि मचिनमई प्रथमे हेडलाइंस उनी अशांत घाटी पुंछ रे बड़ धरणर आतंकवादी आक्रमण पांच जवान शहीद जणे जेसीओ को समेत चारि जवान एपटे सेनार काउंटर अटैक जारी महाकाश क्षेत्र में संस्कार आने पर प्रधानमंत्री आभिमुख्य महाकाश दुनिया में आगे रहिबो भारत एथर देशवासी काम कर स्पेस इंडस्ट्री प्रत्येक नागरिकों पाखे पहुंचबो स्पेस टेक्नोलॉजी युव उद्भावक स्टार्टअप को प्रोत्साहन सीमा बदर समाधान चाहूनी साम्राज्यवादी चीन बद कम बदल में बढ़ावा उद्यम भारत सकारात्मक प्रस्ताव को खारज कर पुणी बढ़ाइला बिवाद विफल है तेरतम उच्च कमांडर स्तरीय बैठक आर्यन को मिललानी आश्वस्ति अक्टोबर 13 को घुंचला जमीन आवेदन शुणा सेदिन जवाब दाखल कर एनसीबी एजाए आर्थर रोड जेल में रहिबे आर्यन ब्रिटेन पीएम प्रधानमंत्री आलोचना भारत यूके एजेंडा 2030 क्लाइमेट एक्शन और अफगानिस्तान प्रसंग पर गुरुत्वपूर्ण आलोचना भारत ब्रिटेन मध्य संपर्क मजबूत पर चर्चा ट्वीट कर जनइले पीएम खूब शीघ्र 100 कोटी डोज टीकादान लक्ष्य पूरण करने को भारत आज सुधा 95 कोटी डोजर टीकाकरण लक्ष्य हासिल हो सारी मात्र 5 कोटी डोज टीकादान पर यह पहुंच 100 कोटी में देशर 63% रु अधिक लोक टीका नहीं सारी एथर संपूर्ण खबर जम्मू काश्मीर में किछि दिन हेबा आतंकवादी आक्रमण जारी रही आतंकवादी को कड़ा जवाब देवा सुरक्षाकर्मी पक्षर लगातार ऑपरेशन जारी रही सोमवार दिन जम्मू काश्मीर पुंच जिले में सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य गुड़ विनिमय गुड़ विनिमय फल सेनार चारिज जवान और जड़े जेसीओ शहीद होते गुड़ विनिमय में पांच जवान गुरुतर होते पर शहीद होते पुंच जिलार चमररेज जंगल रे आतंकवादी माने लुचि रही सूचना मिलता मुगल रोड निकट चमररे दे आतंकवादी माने अनुप्रवेश करथिबा जणा पड़ता यापर सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन आरंभ करते सोमवार सकाळु ही सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्ये गुळी विनिमय जारी रही सुरक्षाकर्मी संपूर्ण अंचल को सेल करते जंगल में 3 रु 4 जण आतंकवादी लुचि रही आशंका करनकाउंटर बेले सेनार 4 जण जवान एवं जड़े जेसीओ मध्य गुरुतर होते 5 जण जवान शहीद होते I think what we need to understand is there is a new phase of terrorism which has crept up in Kashmir. After 5th of August, the earlier methodology which they had of stone pelting and of crowds gathering together wherever there was an encounter, after 5th August, those systems have disappeared. Now, Pakistan has started a new policy now. This is totally inspired by the Pakistani ISI. And here, it is important to understand that the overground workers and the underground workers are playing a major role. That is why, if you wish to stop what is happening in Kashmir now, where there was targeted killing of Hindus and Sikhs by certain Muslim groups, the aim was very clear. It was to divide society. And we have worked very hard to achieve normalcy and to ensure that that normalcy is not disturbed. I think it is a very right step of targeting these overground and underground workers. स्पेस दुनिया रे बढ़िबो भारतर दबदबा देशवासी को पई काम करिबो स्पेस इंडस्ट्री प्रत्येक नागरिकों पाखे पहुंचब स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन कार्य कर उद्घाटन अवसर कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाश क्षेत्र में संस्कार आने पर नि बड़ पदक्षेप स्पेस सेक्टर रे बढ़िबो भारतर दबदबा देशवासियों को पाई काम करिबो स्पेस इंडस्ट्री महाकाश क्षेत्र रे संस्कार आणिबो सरकार को आभिमुख्य युवा उद्भावक स्टार्टअप मानंको प्रोत्साहन सरल हेबो महाकाश नीति स्पेस युग को गति करुचि देश स्पेस रे भारत रे क्षमता वृद्धि दिगरे इंडियन स्पेस एसोसिएशन कार्य करिबो बोली यार उद्घाटन अवसर रे कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी स्पेस क्षेत्र रे देशर मानदंड को उन्नत करने वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध
वर्तमान सरकार परी देशरे पूर्वरु केबे भी एपरि निर्णायक सरकार नथिला। स्पेस टेक्नोलॉजी देशर प्रत्येक व्यक्ति पर्यंत पहुंचिबा आमर लक्ष्य। स्पेस स्टार्टअप और इनोवेटर मानको आवश्यक प्रोत्साहन दियाजिबो। महाकाश क्षेत्र में संस्कार आणिबा पई केन्द्र सरकार का अभिमुख्य चारोटी स्तंभ उपरे आधारित। बेसरकारी क्षेत्र में नवसृजन को स्वाधीनता देवा, सरकार सक्षमकारी भूमिका तुलाइबा, भविष्य पई युवक मानको प्रस्तुत करिबा एवं स्पेस सेक्टर को साधारण लोकों विकास पई परिचालना करिबा। आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच चार पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। महाकाश क्षेत्र रे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी थिबा किछि देश मध्यरे भारत मध्य रहिछि। अंशीदार भावरे सरकार शिल्प युव उद्भावक स्टार्टअप मानको सहायता करुछंती एवं एहा जारी रखिबे। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र रे भारत क्रमागत भावरे आगको बढिबारे लागिछि। सैटेलाइट लॉन्च इंटरप्लानेटरी सिस्टम दिगरे अद्भुतपूर्व सफलता हासिल करि परिछि भारत। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास अंतरिक्ष में एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं जैसे सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, एप्लीकेशन से लेकर इंटरप्लेनेटरी मिशन में महारत हासिल की है। हमने एफिशिएंसी को अपने ब्रांड का अहम हिस्सा बनाया है। आज जब इंफॉर्मेशन एज से हम स्पेस एज की तरफ बढ़ रहे हैं तब इस एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और सशक्त करना है। स्पेस रे देशर भागीदारी को उन्नत करिबा पई अनेक नीति रे परिवर्तन करा जिबा सहित किछि नीति रे सरलीकरण मध्य करा जिबो। वर्तमान समय रे स्पेस क्षेत्र रे उन्नति घटिले भविष्यत पीढ़ी स्पेस दुनिया रे उत्कर्ष लाभ करि परिबे ओ आमर उद्यम मने रखियो बोली ए अवसर रे कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। सीमा विवादर समाधान चाहनी साम्राज्यवादी चीन विवाद कमाइबा बदलने बढ़ावा को उद्यम। भारतर सकारात्मक प्रस्ताव को खारज करी पुणि बढ़ाला विवाद। विफल है 13वां उच्च कमांडर स्तरीय बैठक बाहरी पारानी पूर्व लदाख सीमा को नहीं रही समस्या समाधान सूत्र। सीमा विवादर समाधान चाहनी साम्राज्यवादी चीन विवाद कमाइबा बदलने बढ़ावा को उद्यम। भारतर सकारात्मक प्रस्ताव को खारज कर पुणि बढ़ाला विवाद। विफल है 13वां उच्च कमांडर स्तरीय बैठक बाहरी पारानी पूर्व लद्दाख सीमा को नहीं रही समस्या समाधान सूत्र। शेष को विफल है भारत चीन 13वां कमांडर स्तरीय बैठक। पूर्व 12 थर यहपर बैठक हो सारी विस्तारवादी चीन रो जीत जोगु सीमा विवाद रे सृष्टि होतिबा समस्या रो स्थायी समाधान होइ परुनी। किछि दिन हेबो नजर रहितिला 13वां उच्च कमांडर स्तरीय बैठक उपरे, मात्र हताश करिछि चाइनीज आर्मी रो मनोवृत्ति। दुई देशर कमांडर स्तरीय बैठक रो विफलता संपर्क रे सूचना दैछंती इंडियन आर्मी। लद्दाख सीमा रे थिबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा एलएसी निकट रे विभिन्न समय रे सृष्टि होछि विवाद ओ संघर्ष। एयर स्थायी समाधान पई भारतीय सेना रो कमांडर को तरफरु अनेक सकारात्मक प्रस्ताव दिया जाइतिला, मात्र से सब को ग्रहण करिनथिला चीन रो सेना बा आलोचना रे भाग नैतिबा कमांडर। केवल सेतिक नुए निज आडु मध्य कोनोसी सकारात्मक प्रस्ताव रखिनी चीन, फल रे विफलता रो सह शेष होईचि 13वां उच्च कमांडर स्तरीय बैठक। एलएसी निकट रे चीन सीमा रे थिबा मोल्डो नामक स्थान रे अक्टोबर 10 तारिख रे अनुष्ठित होईतिला एही बैठक। लद्दाख सीमा रे थिबा केतक स्थान बा पॉइंट को नै जुलाई मास रे अनुष्ठित होइतिबा द्विपाक्षिक बैठक रे समाधान रो सूत्र बाहरी थिला।
द्विपक्ष सेहीपरि समाधान सूत्र को सम्मान देवा को सहमत होइतिले मध्य चीन बारंबार राजीनामा को उल्लंघन करि आसुछि जहाँ फलरे अनेक समय सृष्टि होइछि विवाद तेबे मुख्यतः ईस्टर्न बा पूर्व लद्दाख को नहीं रही किसी विवाद ए जाए समाधान हो पारिनि। 13तम बैठक में यार समाधान उपरे गुरुत्व दिया जाइतिला। सीमा विवाद को नहीं पूर्वर होइतिबा राजीनामा को चीन प्रथमे सम्मान देउ एवं स्टेटस क्यू बजाय रखु बोली दाबी करितिला भारत, मात्र एहाकु एड़ाई जाइतिला चीन। यहाँ सहित भारत तरफ जो सब प्रस्ताव दि जाइतिला ताकु मध्य ग्रहण करिनतिला। भारत देइतिबा प्रस्ताव को अवास्तव बोली कहि चीन ग्रहण करिनतिबार जना पड़िछि, जहाँ बैठक विफलतार कारण। आगो को पुणी आलोचना जारी रहिबो बोली राजी होइछंती उभय भारत एवं चीन। तेबे चीन रो अभिमुख्य को नै प्रश्न उठाइछंती भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ। देखिए ये बहुत सालों से ये जब भी ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भारत और चीन के साथ हुई थी तो बहुत साफ था कि दोनों चाइनी क्या क्या कर सकती है। अभी इसको बार बार चीन वायलेट करती जाती है, उसके बाद क्या करते हैं वो 10 कदम आगे बढ़ते हैं और जब भारत के साथ बातचीत होती है वो 5 कदम पीछे हट जाते हैं और एक नया स्टेटस को आ जाता है। तो पिछले 5-6 सालों से भारत ने कहा है कि इस प्रकार की हरकत नहीं चलेगी, अगर आप आगे आए हो तो जितना आगे आए हो उतना ही आपको पीछे जाना पड़ेगा। चीन जो बारम्बार विफल होती द्विपाक्षिक आलोचना आगो को कौन पदक्षेप निया से बाबद चिंता करुछि भारत। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन रो पीएम बोरिस जॉनसन को सह फोन रे कथा होउछंती। दुई नेता भारत यूके एजेंडा 2030 ग्लासगो रे सीओपी 26 संक्रांत रे क्लाइमेट एक्शन एवं अफगानिस्तान सह अन्य प्रसंग उपरे आलोचना करथिबा जणा पडिछि। एने ब्रिटेन सरकार को पक्षरु मध्ये सूचना दिया जाइछि। सोमवार सकाळे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह कथा होउछंती। दुई नेता भारत ब्रिटेन मध्ये संपर्क मजबूत उपरे चर्चा करथिबा बेले 2030 रोड मैप रो प्रगति उपरे मध्ये गुरुत्वारोप करिछंती। जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमंत्री जॉनसन आगामी सीओपी 26 शिखर सम्मेलन पूर्व एवं जलवायु परिवर्तन उपरे प्रगतिर महत्व को जोर देइछंती। यहाँ व्यतीत दुई देशर प्रधानमंत्री कोरोना वायरस विरोधी लड़ई एवं अंतर्जातीय यात्रा सुविधाजनक करिबार आवश्यकता उपरे चर्चा करथिबा जणा पडिछि। G20 नेतांक सम्मेलनरे सामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंता काली अटाळीरे G20 नेतांक सम्मेलन हेबाकु जाउछि। एथिरे विशेष करी अफगानिस्तान और तालिबान प्रसंग उपरे आलोचना हेबो। तालिबान दखल परे युद्ध द्वारा प्रभावित देशर सामग्रिक परिस्थिति उपरे विस्तृत भावे विचार करिबो G20 समूहर नेतामाने। एथिरे प्रधानमंत्री मोदीक अंशग्रहण नै वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मोदी एही सम्मेलनरे मानविक आवश्यकता, सुरक्षा तथा अफगानिस्तानरे आतंकवाद तथा मानविक अधिकार विरोधरे लड़ई आलोचना करेंगे। G20 इटाली राष्ट्रपति निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सम्मेलन में शामिल होती। योद्धा पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, आउ यहाँ आम सेनार साहसी जवान को पाई कहा जाउछि। सोशल मीडिया रे एही किछि दिन हेबो भारतीय सेनार एक ट्रेनिंग भिडियो वायरल हेबारे लागिछि, जोठि अति कठिन ट्रेनिंग रे सामिल होइछंती सेनार किछि जवान। जेकोनसी परिस्थितिर मुकाबला पाई निजको प्रस्तुत रखिबा पाई चालिछि अहरह ट्रेनिंग, जहार भिडियो सोशल मीडिया रे जोरदार शेयर करा जाउछि। लोकमाने सेना जवानकर एभळि कष्टसाध्य अभ्यास को सैल्यूट करछंती। शाबाश, बहुत बढ़िया, बस जोर से कमांडो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल कमांडो, चल 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 चल। अर्थनीति पाई घोषणा हला नोबेल मिलित भावे तीन जन को मिल पुरस्कार। 2000 शीर्षक विषय अनुसंधान पाई तीन अर्थनीतिज्ञ को मनोनीत करा जाइछि। अर्थनीतिज्ञ डेविड कार, जोशुआ डी अंग्रिस्ट एवं गाइडो इम्बेन्स को नोबेल पाई मनोनीत करा जाइछि। अमेरिका कैलिफोर्निया अर्थनीति प्रोफेसर डेविड को श्रम अर्थनीति रे गवेषणा पाई एही पुरस्कार मिलिबो। काजुअल रिलेशनशिप विश्लेषण पाई अन्य दुई जन को मनोनीत करा जाइथिबा जणा पडिछि। जोशुआ अंग्रिस्ट अमेरिकार एमआईटी विश्वविद्यालय प्रोफेसर थिबा बेले गाइडो इम्बेन्स अमेरिकार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर रहिछन्ते।
ଶୀଘ୍ର 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 95 କୋଟି ଡୋଜ୍ର ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 5 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାଦାନ ପରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ 100 କୋଟିରେ। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକାଦାନର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଉଛି। ଦେଶର 73%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए समग्र देश में एक मुहिम चलाई है, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। देश की जनता भी इस नारे के साथ जुड़ गई है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज 95 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुके हैं। देश में 73% से अधिक लोगों को जो 18 ईयर से एवो के हैं उसको टीका लग चुका है। सेकंड डोज भी तेजी से लोग लगा रहे हैं और अगले नज़दीक के दिनों में 100 करोड़ टीका देश में लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए वो गौरव का विषय होगा। କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଲା ପାସ୍ ସମେତ କାଶ୍ମୀର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁଲମାର୍ଗର କାଙ୍ଗୁଦୁରି, କାର୍ନାର ସାଧନା ଟପ୍ ଏବଂ କୁପୱାରର ଜଡ଼ଗଲି ମାଚିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଉପତ୍ୟକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। बुलेटिन रे समय एक छोटो ब्रेक रो। ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ନିଜର 79ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବି ନାଁରେ ପରିଚିତ ବଲିଉଡ୍ ମିଲେନିୟମ୍ ଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଜଲସା ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ ବିଗ୍ ବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ହଲାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ବି ଅଭିନୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଦେବେନ୍ଦର ରାଣା ଏବଂ ସୁରଜିତ ସିଂ ସ୍ଲାଥିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିଜେପି ହିଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଆଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପିଡିପି ଭଳି ଦଳ ସହିତ ମିଶି ରାଜନୀତି କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଜେପି ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଏବେ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ନୟା करवट देने के लिए हमारी पार्टी में जो दो दिग्गज नेताओं की ज्वाइनिंग हुई हमारी पार्टी में, ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं लंबे अरसे से जानता था, जो भी भारतीय राजनीति की विद्यार्थी रहेगा J&K को अध्ययन करेगा ही, और ऐसे ही मेरे कभी अध्ययन में मैं ऐसे एक शख्सियत से परिचित हुआ था। ऐसे आज हमारी पार्टी में जो ज्वाइन करें नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन करें, ऐसे मित्र देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, ये अपने आप में ये दोनों की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी
और देश की संविधान बनने के उपरांत संसद ने कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर की लोगों की उन्नत कैसे हो, उनकी जीवन ठीक कैसे हो, इसके ऊपर देश सदैव प्राथमिकता रखी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक आयाम से जे एंड के से जुड़े हैं। उनकी विचारों से, उनकी नेतृत्व से आज सहमति जताते हुए मित्र देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। आर्यन को मिलेलानी आश्वस्ति। अक्टोबर 13 को घुंचिला जमीन आवेदन शुणाणी। मुंबई अधिवेशन कोर्ट शुणाणी अक्टोबर 13 पर्यंत स्थगित रखिछन्ते। से पर्यंत आर्यन खान को आर्थर रोड जेल रे रहिबाको पड़िबो। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सही दिन निजर जवाब दाखल करिबो। आर्यन को निकटरु ड्रग्स उद्धार करा जाय नथिबारु तांको जमीन आवेदन करा जायछि। आर्यन को वकील तांको तरफरु जुक्ति करिछन्ते जे अन्य अभियुक्तक निकटरे ड्रग्स मिलिथिला जहा आधार रे तांको जेल रे रखा जाय पारिबो नाही। अक्टोबर 8 रे मुंबई रो लोअर कोर्ट आर्यन खान अरवाज मर्चेंट एवं मुमुन धमसांग जमीन आवेदन को प्रत्याख्यान करते। कोर्टर वकीलों मध्य दीर्घ समय धरी वितर्क होता जहाँपर आवेदन खारज होता। आर्यन को आर्थर रोड रे जेल रे थिबा स्वतंत्र क्वारंटीन सेल रे रखा जाइथिला। उभय पक्षर जुक्ति सुनबा परे कोर्ट कहिथिले जे सही विभाग अधीन रे जमीन आवेदन सुनाइबाकु सेमानकर क्षमता नाही। अभियुक्तक वकील माने अधिवेशन कोर्ट को जिबा उचित। मुंबईरु गोवा जाउथिबा क्रूज्रे हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी मामला सामनाकु आसिबा परे समस्त जानिबाकु चाहुछन्ति जे एही ऑपरेशन को सफल करबा पछरे केउ माने अछन्ति। ए पूरा ऑपरेशन रो सफलता रे एनसीबी रो तीन अधिकारीक भूमिका सबुठु गुरुत्वपूर्ण थिला। एमानको ना हुए तो मीडिया रो हेडलाइन रे शामिल होइ नथाइ पारे किंतु एही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी रो पर्दाफाश करबा पछरे रहिछन्ति एही तीन हीरो। आसंतु जानिबा सेमानको संपर्क रे। विश्वविजय सिंह एनसीपी मुंबई शाखार अधीक्षक विश्वविजय सिंह बॉलीवुड तारका शाहरुख खान को पु आर्यन को प्रथमे क्रूज भितर कब्जा करिथिले। खाली सेतिके नुहे ए घटनार गिरफ्तारी तालिकारे आर्यन को ना से निजे ही जोड़िथिले। मूलतः लखनऊ बासिंदा ही अधिकारी जनक ही सुशांत सिंह का मृत्यु मामलें रिया चक्रवर्ती गिरफ्त करिथिले। रिया व्यतीत भाई सौभिक और अभिनेता अर्जुन रामपाल को मध्य पचराउचरा करिथिले विश्वविजय सिंह। से 10 वर्ष धरी एनसीबी रे अछंती। 2018 सबुठु अधिक परिमाणर हीरोइन जबत पछरे तांकर थिला बड़ा भूमिका। एनसीबी रा सबुठु बड़ा ऑपरेशन को सफल करिथिबारु विश्वविजय सिंह को सम्मानित मध्य करा जायछि। आशीष राजन प्रसाद क्रूज्रे ड्रग्स पार्टी ऑपरेशन रा आउ जणे नायक हेले आशीष राजन प्रसाद। जणे दक्ष इंटेलिजेंस ऑफिसर भावे से विभाग रे खूब जनाशुना। आशीष 2 अक्टोबर रे क्रूज्रे निजे उपस्थित थिले आउ निज हाथ रे ड्रग्स जबत करिथिले। आशीष एहा पूर्वरु सीआईएसएफ स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट रे काम करि सारिछन्ति। तांकु मिनिस्टर एक्सीलेंस सर्विस मेडल मध्य मिलि सारिछि। आशीष 2017 रु डेपुटेशन रे एनसीबी रे काम करुछन्ति। गुप्त तथ्य संग्रह रे से खूब माहिर। समीर बांखड़े एनसीबी मुंबई शाखार जोनल डायरेक्टर समीर बांखड़े को ना खूब शीघ्र कौनसी रेकर्ड बुक रे शामिल हो पारे। गत वर्षक भीतर एपरी कौनसी दिन जाय नथिबो जो दिन समीर कौनसी ड्रग्स ऑपरेशन को सफलतार सह संपादित करि नथिबे। बॉलीवुड ड्रग्स लिंक मामला रे दाऊद इब्राहिम गैंग्र बहु सदस्यों को निजे समीर बांखड़े ही गिरफ्त करिछंती। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को ड्रग्स कनेक्शन मामला रे पचराउचरा करिछंती। आर्यन खान का गिरफ्त नहीं यही नेटवर्क रो सबु अभियुक्त को लगातार पचराउचरा करि आसुछंती समीर। से पूर्वरु रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे सफलतार सह काम करि सारिछंती। समीर का पत्नी जने अभिनेत्री से बॉलीवुड फिल्म गंगा जल रे अभिनय करी चर्चा को आसी थिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
समय सर बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।